2 अक्टूबर महात्मा गांधी जी की जयंती जन जागरूकता और संकल्प दिवस के रूप में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर मनाई गई। कार्यक्रम का शुभारंभ राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के चित्र पर माल्यार्पण के साथ हुआ। कार्यक्रम में ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर मनीषा मंडलोई आरसे ने सभी को कुष्ठ मुक्त समाज बनाने में सहभागिता निभाने की शपथ दिलाई। कार्यक्रम में ANM पप्पू यादव ने कुष्ठ रोग और समाज में कुष्ठ के प्रति फैली भ्रांतियों को मिटाने के लिए जन जागरूकता संबंधी विस्तृत जानकारी दी। सेगावा से संजय जायसवाल की रिपोर्ट। अपने शहर एवं गांव को कुष्ठ मुक्त रखने के लिए राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के मार्ग पर चलेंगे एवं कुष्ठ रोगी के साथ हम जानते हैं कि कुष्ठ रोग एक साधारण रोग है एक प्रकार के जीवाणु से होता है। कुष्ठ रोग आधुनिक बहु औषधि प्रणाली से पूरी तरह ठीक हो जाता है। हम अपने क्षेत्र में सभी कुष्ठ रोगियों की खोज कर उनका पूरा उपचार दिलाएंगे एवं मुक्त कराएंगे। गांधी जयंती के अवसर पर जन चेतना हेतु क्षेत्र में घर घर जाकर कुष्ठ रोग से मुक्त कराएंगे। पीढ़ी दर पीढ़ी होता है या देवी देवताओं के प्रकोप से होता है या केवल गरीब को होता है या गांव वालों को होता है। कुष्ठ रोग यह सामान्य बीमारी है, किसी को भी हो सकता है, चाहे अमीर हो गरीब हो, समाज के किसी भी वर्ग को कुष्ठ रोग एक सामान्य रोग तो किसी को भी हो सकता है। कुष्ठ रोग का वर्तमान में उपचार पूर्ण रूप से है, MDT जो नई औषधि आई है बहुऔषधि उपचार, उससे कुष्ठ रोग पूर्ण रूप से ठीक हो जाता है। अगर कुष्ठ रोगी की जल्दी अगर पहचान हो जाती है तो जो कुष्ठ से विकृति होती है, डिफॉर्मिटी आती है जिसे विकृति बोलते हैं, तो वो विकृति नहीं होती है। समय पर इलाज लेने से कुष्ठ रोग पूर्ण रूप से ठीक हो जाता है और विकृति से भी बचाव होता है। इस अवसर पर और साथ में हमारा स्वास्थ्य विभाग का कार्यक्रम से जुड़े प्रत्येक संबंधित का ये उत्तरदायित्व भी है कि कुष्ठ रोग की जो गलत धारणा है, गलत भ्रांतियाँ हैं, इसको निवारण के लिए हम समाज में अधिक से अधिक जन जागरूकता के लिए प्रयास करें। इसी के लिए आज का ये कार्यक्रम, ताकि आने वाले समय में हम जन जागरूकता के लिए अधिक से अधिक कुष्ठ संबंधित जानकारी समाज में फैला सकें। मैं इस अवसर पर हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।